हेलो फ्रेंड, आज हमें दमदमा लेक में, जो दिल्ली से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है, फरीदाबाद में, हरियाणा में, हरियाणा में फरीदाबाद, हरियाणा में ही है फरीदाबाद। तो यही है क्या लेक का पूरा का पूरा? एक पार्ट उस साइड में है। एंट्री फीस कितनी है? 40 रुपये ना। इस गेट से एंट्री है ना? अच्छा, हरियाणा टूरिज्म में है। जगह तो बहुत खूबसूरत है भाई। अब यहाँ पब्लिक है या नहीं है? तकरीबन 50 किलोमीटर है दिल्ली से। ये रहा हरियाणा टूरिज्म, सारस, दमदमा लेक, यहाँ से एंट्री है। अब वो रही हमारी गाड़ी जहाँ पार्क करी है। इसमें वोटिंग है, है ना? और क्या क्या है इसमें? नहीं लिखा हुआ तो होटल्स का लिखा हुआ पूरा। इसके अंदर क्या क्या है देखो, जिप लाइन है, जिप लाइन, कमांडो नेट, टायर वॉल, ब्रूमा ब्रिज। क्या क्या चीज़ें हैं ये है यहाँ के एडवेंट। इसमें और भी है, वोटिंग भी है, वोटिंग भी है ना, वोटिंग भी है। अभी हम वोटिंग करने जाएंगे। बाइक है देखो, एक से खड़ी यहाँ पर। ये कौन सी है? रॉयल इनफील्ड है ना? रॉयल इनफील्ड की है सारी। रॉयल इनफील्ड। और ये कौन सी है? ये भी रॉयल इनफील्ड की है। बाइक एक से खड़ी है भाई। वो आगे देख, आगे देख। ये देख क्यों, ये कौन सी? ये BMW की है। कहाँ लिखा BMW है इसमें? अच्छे हो भाई साहब, ये तेरी कितने की गाड़ी होगी अभी? ये तो देख, वो देख, एक हो रही रॉयल इनफील्ड है। पार्किंग में बाइक है देखो, एक से खड़ी हुई है, सारी बुलेट्स हैं, हैं? रॉयल इनफील्ड। हार्ले डेविडसन का है, कहाँ पर है ये? ये लो भाई, हार्ले डेविडसन की गाड़ी है थी। ये कितने की गाड़ी होगी भाई? कम से कम 6-7 लाख की। ये एक गाड़ी, मतलब एक बाइक 6-7 लाख की होनी चाहिए कम से कम। कम से कम होगी, कम से कम। और ये कौन सी है? ये भी तो वही हार्ले डेविडसन, ये भी तो वही है। भाई साहब, मैं बाइकर आ रखे एक से। अब लगा लो कितनी वैल्यू है दमदमा लेक की। हिमालय, ये देखना, ये भी उसके रॉयल हैं, रॉयल इनफील्ड की, रॉयल इनफील्ड की। बाइक तो ख़त्म ही नहीं हो रही यहाँ पर। अब लगा लो यहाँ पर इतनी एंट्री है, मतलब यहाँ पर इतनी बाइक से अंदर कितनी वो होगा। ये भी BMW की है। वही यार, देख लो पार्किंग में तो इतनी बाइक ही बाइक है यहाँ पर। और अभी एंट्री करेंगे यहाँ से, फिर देखते दमदमा लेक में क्या क्या है। और यहाँ वोटिंग वोटिंग के लिए सब कुछ चालू है, आज स्टार्ट करती है। ये देख फायरिंग के लिए रखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी आ गए। है तो सही पब्लिक। ये देखो भाई साहब, जगह बहुत अच्छी है। पब्लिक थोड़ी देर बाद होगी यहाँ पर, दिन में।
अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। झूले हैं, जंपिंग है, बहुत कुछ है। अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं यहाँ से, अभी सेटअप हो रहा है। थोड़ा नीचे चलता हूँ, ये झूले देखो, ये जंपिंग का हुआ, ये अभी स्टार्टिंग हो रहा है ना। कितने बजे भीड़ हो जाती है यहाँ पर? नॉर्मल 11:30 बजे से पब्लिक आना शुरू हो जाएगी। पब्लिक तो सुबह सुबह आ गई, अंदर है कुछ तो। अच्छा अच्छा यहाँ पर क्या क्या है? जंपिंग है, झूला है, बोटिंग है। अच्छा जी, एडवेंचर है, मिक्की माउस है। अच्छा, कैमल है। अच्छा, गन शूटिंग वगैरह है, बॉल है। अच्छा, गहराई 5-6 फुट है, डूबने वाला ना है। मैं चल तेरी, नहीं नहीं दिख रहा मुझे यार। लेक तो बहुत खूबसूरत है, अच्छा है। यहाँ पर मोर वोर भी आते हैं? हाँ जी, दिखाओ मोर, दिखाओ मैं फिर एक मोर दिखाओ, पकड़ के रखा है क्या? ओ देखो भाई, से वहाँ से थे, वहाँ थे हम, वहाँ से यहाँ आ गए। अभी पब्लिक आना शुरू हो जाएगी यहाँ पर, सुबह में भीड़ हो जाएगी यहाँ पर। अरे तुम तो अंकल जी को घेरे खड़े हो गए। कोई नहीं, ये रहे यहाँ फोटो शूट चल रहा है इन लोगों का। भाई फोन पानी में ना गिर जाए बस। ये इनका, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये लो जी, अंकल जी नाव चला रहे हैं। एक बार ना उधर उधर बैठ जाओ, अंकल जी के साथ हो जाएगा तुम्हारा। हाँ ऐसे बढ़िया, ये एक बार इसको पर आके बैठो भाई, ये ऐसे घूम जाते हैं वहाँ तक नहीं जाते। ले जाओ, हैं? ले जाओ ले जाओ ले जाओ, खाली पड़ा है वैसे भी, एक दो आपकी वीडियो भी आ जाएगी। हाँ थोड़ा थोड़ा सा घुमा दो वहाँ तक। चप्पू चलाना आता को? मुझे तो आता है, मुझे चला लेंगे बैठ के, तुम अंकल जी थकते हो तो। बहुत लंबी झील है भाई, वो सफेद पक्षी है। कहाँ पे? उस तरफ। उस पक्षी को छू क्या ना है? बैठ जाना। किस लिए? वो पहाड़ी आ रही है ना, उस पहाड़ी के साथ में एक तरह हो जाएगा। अरे मैं तो वो एक मिनट, वाटर रेन इसको तो हटा रही, तुम्हें तो हटा रही। अच्छा, ये अपना चक्कर के हिसाब पड़ता है बस। अच्छा, मन करो चलाओ, मन करो मत चलाओ। अच्छा ये लो जी, देख देख
तुम धोखा भी दे सकते हो ना को इससे कहाँ से गए हैं पक्षी बहुत सारे यहाँ पे मोर भी यहाँ पे अभी दिख नहीं रहे मोर हैं वो देखो वो दूर 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 दिख रहे हैं काफी इसको जूम करके देखता हूँ कुछ है थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं हो पाएगा इतना जूम वो रहा पॉइंट हमारा वापस जा रहे हैं यू टर्न और अब पब्लिक भी ज़्यादा हो गई वहाँ पर देखो अब पब्लिक भी आना शुरू हो गई वहाँ पर और ये जो झील है ये 1947 की बनी हुई झील है जैसे बता रहे हैं अंकल जी आज़ादी के टाइम की झील बनी हुई है अंग्रेज़ों द्वारा बनाई हुई झील है ये मतलब नेचुरली है लेकिन उस टाइम का नाम वाटर हारवेस्टिंग के नाम से रखा गया था इसको कोई दिक्कत ना है मत तेरी अच्छा उड़ते तो नीचे गिर जाएगा नहीं नहीं वो उधर भाग जाएगी ना अच्छा उधर भाग जाएगी अबे घुमा थोड़ा इधर की तरफ मोड़ना इसको हाँ मोड़ 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 इंडिकेटर दे जा तू बैठ नहीं 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 ठीक है बहुत बढ़िया जा तुम्हें तो बैठना ये लो मांझी है ये इसका फोटो चल रहा है यहाँ पर अबे हाँ चल रहा है वो नहीं है ये लो बहुत खूबसूरत यार बहुत मजा आ गया यहाँ पर ये रहा हमारा स्कूल चल धर्मेंद्र जा वहाँ पर बहुत अच्छा लगा तू तो बैठ जा बस ठीक है कोई दिक्कत नहीं बहुत मज़ा आया भाई ये छोटा छोटा सा 10-20 मिनट जो भी था यहाँ पर अच्छा लगा आ जा 10-20 मिनट जो भी था अच्छा लगा मज़ा आया 1 किलो तो हर समय पब्लिक जाती है चाहे सर्दी का मौसम हो गर्मी का मौसम हो पानी हर वक्त तो नहीं जाता ना बरसातों के बाद ही होता है बरसातों के बाद ही पानी होता है अब यही अगर अगर थोड़ा गर्मी में आता तो यहाँ पानी नहीं मिलता है हमारा स्टॉप आ गया अरे वाह वाह बोटिंग हमारी कंप्लीट हो गई जे भाई साहब आधा घंटा लगा हमसे जो भी था चलो वहाँ से आए थे हम उस एरिया से ओ वहाँ से आए थे हम बताओ वहाँ से कंप्लीट करता हूँ यहाँ तक आए अच्छा चलो ऊपर चले चलो भैया ये सेटअप भी लग गया ये सेटअप लग गया यहाँ पर जंपिंग का ये झूला भी लग गया ये झूला इसे बोलते थे स्नाइपिंग ठीक है ये हैवी भी होगी पावरफुल भी होगी इसका एम भी जबरदस्त है बड़ी वाली गन का ये होती है सिंपल गन बेसिक गन इसमें कोई झटका नहीं होता बिल्कुल सिंपल चलने वाली गन होती है इसमें हाँ ये दोनों पावरफुल गन है दोनों ये होती है सिंपल गन किसमें करवाऊँगा आप ये बताइए ये तो सर 100 वाली है इसमें 10 राउंड मिलेंगे यूज़ करने के लिए वो 150 वाली है सो 12 फायर मिलेंगे चलाने के लिए आपको ऐसा नहीं है ना कि 10 राउंड में मतलब 5 ये कर ले 5 में आप दो लोग शेयर कर सकते हैं गेम में तीन में कर लेंगे शेयर हम तीन ही हैं और क्या चलो तीन कर लेंगे तो वैसे दो कर सकते हैं शेयर और क्या लेफ्ट ही चल लेफ्ट राइट अबे यहीं से लेफ्ट से ही ले चलो ठीक है आ रही है अगर गुब्बारे मार दिया तो पैसे मिले कुछ है कुछ सर कम से कम आपको ऊपर वाले मान एम वो है सर ऊपर वाले में क्या है सवाल 10 में से अगर आप 7 मार दोगे हां ओए भाई साहब मार दे मार दे रमीर मिस चलो भाई एक मिस हो गया
एक मिनट रुकियो, अबे तेरी मिस करते रहोगे हमेशा। ये सारे मिस ही जाएंगे भाई, हमसे थोड़ी ना होने वाली, हम थोड़ी कोई पक्के वाले खिलाड़ी। क्या बात है, कोई चीज मुमकिन ना हो। हाँ एक चीज है ना, हम तेरे सारे भाई, हमें ये नहीं पता कि भैया रखनी कहाँ है। गन नहीं सही रखी हुई है, यू से ये बी देखना होता है, बी से ओ और बलून के सेंटर पॉइंट, जब दो लग जाएगा। मिस करके बार और राउंड ले रहे हैं इसका, अगर ये टच कर देगा तो चल। ओए एक बैलून गया, अरे वाह भाई वाह, जीते। अरे भाई एक बैलून मार दिया भाई, एक बैलून गया, एक बैलून गया भाई, इधर भरा बैठा है तू। भाई बहुत भरा बैठा है तू, बहुत भरा बैठा है। क्या मतलब? अब मिस हो गया। अब पोटर का निशाना मारा मैं, वो बड़ी वाली बोले सर बुलेट तेज में। हाँ मैं भाई लग जाएगी बहुत तेज, खाली के साथ कितनी फोट का है ना, कोई दिक्कत है, गन लोड होती है तो नहीं सर, फोटो परमिशन होती है। ठीक है हाँ ठीक है, टारगेट निशाने पे होना चाहिए इस टाइम बस। और टारगेट निशाना कैसे लेना है, बस वो देख ये देख ले भाई, ये ना ये इस वी में ना इसकी ये नोक देख, नोक देख के बताया भाई ने। हाँ तभी तो लगा वो सेकंड वाला मेरा नोक पर लगने था मेरे को कैसे भाई, वो इसको देख और इससे इसको मैच करके वहाँ वो पॉइंट देख उसका बलून का। भैया ने वैसे बताया तू वैसे देख ले, हमसे तो हुआ नहीं। लग गई देवेंद्र, एक तो गुब्बारा फोड़ दे यार, वैसे तू बहुत बातें करता है। ये है महाराणा प्रताप। ये सेटअप भी स्टार्ट हो गया अपन, ये वाला भी हल्का फुल्का है लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया है। बच्चे भी आ गए देखो यहाँ पर छोटे छोटे, पब्लिक तो है वहाँ पर, अभी वो लोग आ नहीं रहे वहाँ पर। इस होटल रिजोर्ट से सामने ये, इसमें बहुत सारे मतलब पब्लिक है यहाँ पर, बाइकर्स आ रखे हैं सारे के सारे, पब्लिक आ रखी है, लेकिन सब के सब अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी शूटिंग चल रही है इन दोस्तों की। वो तो कहते जंपिंग है पीछे की तरफ, इस रिजोर्ट से पीछे की तरफ जंपिंग है, इसके पीछे की तरफ। और दिल्ली से तकरीबन मेरे ख्याल से 50-55 किलोमीटर के आसपास है ये, हरियाणा में है, सारस दमदमा लेक। वो देखो एक वोटिंग फिर स्टार्ट हो गई है, अभी इसमें कोई नहीं है, नहीं अकेले ही अंकल जी, अकेले हैं अभी। अरे प्रॉपर अच्छे से क्या मतलब है, हमें एक एक फेंकनी है यार। क्या हुआ, ये तीन कस्टमर इन नहीं करवा रहा हूँ मैं, ये तो घूम रहे हैं अभी सुबह सुबह, क्या हो जाएगा भाई। तीनों गिलास गिनने से तभी कुछ मिलेगा था मेरे बाबू। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ जी तीसरे में तीनों बोले ना बस, ये एक बार में गिनने चाहिए तीनों। सर वो बॉल के हिसाब से ना, पहली तीन तो पेप्सी मिल जाएगी, दूसरी बल्ले या तीसरी धोती मिल जाएगी आपको। अरे यहाँ पे मैं लिख भी रखा है। चल 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 स्टार्ट तो कर, देख धर्मवीर। वो भाई तू तो घर से टान के आया भाई, इसने तो एक में गिरा दिया, तू भी ना मिस कर दिया, दूसरी बॉल मिस हो गई इसकी। बस हो गया, गिरा देगा भाई से भी तो पूरा लग रहा है निशाने बाज, ले 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 कर रखा है मैंने, अगर गिरा देगा तो अच्छा है भाई, गिरना तो चाहिए तैयारी। बहुत दिन हो गया यार वो विकेट पे लगाए हुए, बहुत टाइम हो गया विकेट पे लगाए हुए। ये ले अबे यार, मैं तो ये ले रिंग भी है इसमें यहाँ पर। हां सर ये वाली गेम भी कर सकते हैं।
ये देखो दूसरी पब्लिक आ गई है, वो बैठी पब्लिक। ये लो भाई, ये दूसरे जगह से व्यूज़ लिए। ये देखो पब्लिक आना शुरू हो गई, मेरे ख्याल से पक्षी भी आना शुरू हो गए। वो देख वहाँ से देख, यहाँ से देख, वो देख। जगह तो बहुत खूबसूरत है सही में। और बहुत बड़ी झील भी है, ऐसा नहीं कि छोटी है, बहुत बड़ी है। वो देखो वहां से आए थे हम, उधर से जहाँ वो बोट खड़ी है। हाँ हाँ, वो रही ना बोट, वहां से लेकर हमने पूरा इतना कवर किया रहा। ये रहा बोट, दे वो रही बोट। और बोट से यहाँ से हम इधर से इधर से इधर से यहाँ, ये पूरा एरिया हमने कवर किया। आप बंद कर दे वो, कर चल यहाँ से। हाँ बस आगे की तरफ थोड़ा सा वहाँ पर वो चढ़ाई का वो क्या बोलते थे, जंपिंग जंपिंग था है भाई। यहाँ से हम ब्लॉक करते हैं इसको, यहाँ से एंड करते हैं भाई, यहाँ से अब चलते हैं वापस, है ना। टाइम हो गया है, आधे घंटे का उन्होंने ट्रैव वो करवाया था नदी वदी का, आधे घंटे का लगा टाइम। वोटिंग करी हमने, गन शूटिंग भी किया, और वो क्या बोलते हैं उसे जो बॉल से फेंक के मारा था वो भी किया। अब यहाँ से कंप्लीट हो गया, यहाँ से बस हम निकलते हैं। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी जगह है दमदमा लेक, हरियाणा में है, दिल्ली से तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर के आसपास का है, और अच्छी झील है, ट्रिप करना चाहिए, बड़ी अच्छी जगह है। चलो बाय।